पेपरलेस बजट की ओर कदम बढ़ा चुके नगर निगम प्रशासन ने सदन की कार्रवाई के पहले टैबलेट खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आपको बता दें कि 24 फरवरी को होने वाले नगर निगम सदन की बैठक स्थगित कर दी गई है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह ने कहा, सदन सत्र से पहले पार्षदों को टैबलेट देने की कोशिश की जा रही है, जिसका फायदा सीधे तौर पर 70 पार्षदों और 10 मनोनीत पार्षदों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह के भीतर ही टैबलेट खरीदने की उम्मीद है। गौरतलब है कि नगर निगम का बजट 22 फरवरी को कार्यकारिणी में रखा गया था। इसके दो दिन बाद 24 फरवरी को नगर निगम सदन में बजट रखा जाना था। लोकसभा और विधानसभा की कार्रवाई चलने के कारण नगर निगम सदन में बजट नहीं रखने का निर्णय लिया गया। नगर निगम में पहली बार पेपरलेस बजट का पेश किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह ने कहा, सर नगर निगम पेपरलेस की तरफ कदम आगे बढ़ा चुका है, ऐसे में क्या क्या प्रोसीजर होगा? कब जो टैबलेट हैं कितने मिलने हैं, किसको मिलने हैं, कब तक मिलने हैं? देखिए, नगर निगम की जो भी कार्रवाइयां हैं, चाहे कार्यालय में जो कार्रवाई की जाती है या फिर और भी कार्रवाई है, जैसे किसी निर्माण कार्य का एस्टिमेट बनाना, उस निर्माण कार्य की प्रगति पर मॉनिटरिंग करना, ये सारा कुछ हम लोग पेपरलेस करने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। इनफैक्ट निर्माण कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए पहले से हम लोगों ने एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है और उस पर कार्रवाई की जाती है। कोशिश ये है कि कागज़ का प्रयोग कम से कम हो, जिससे पर्यावरण के संरक्षण में नगर निगम अपना योगदान दे सके। एक बड़ा कदम नगर निगम ने इस बार उठाया है उत्तर प्रदेश शासन का अनुकरण करते हुए, कि बजट को पेपरलेस प्रस्तुत किया गया है। इस कार्य के लिए कि सदन की कार्रवाई या माननीय कार्यकारिणी की कार्रवाई सब पेपरलेस हो, जितने भी प्रस्ताव रखे जाएं वो कागज़ और की सहायता से न रखे जाएं, बल्कि उसको स्मार्ट टैबलेट की सहायता से या स्मार्टफोन की सहायता से सीधे माननीय पार्षद के टैबलेट पर भेज दिया जाए। यह निर्णय लिया गया है माननीय महापौर जी द्वारा कि 70 माननीय पार्षद और 10 नाम निर्देशित जो नॉमिनेटेड हमारे माननीय पार्षद हैं, उन सभी लोगों को एक एक टैबलेट दिया जाएगा और उनका बाकायदा प्रशिक्षण भी होगा। प्रशिक्षण के बाद सदन की कार्रवाई हो, कार्यकारिणी की कार्रवाई हो, वो पेपरलेस चलेगी। सर कब तक मिल जाएगा? बहुत जल्दी मिल जाएगा, एक सप्ताह के अंदर कोशिश ये रहेगी कि उनको मिल जाए। तो सर सदन की बैठक है वो स्थगित है अभी? सदन की बैठक तो तकनीकी कारणों से स्थगित की गई है, चूँकि इस समय उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद के सेशन गतिमान है, इसलिए अभी स्थगित की गई है। वो निकट भविष्य में जल्दी ही की जाएगी और वो पेपरलेस ही की जाएगी।